हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा न्यूज आ रही है, अठावले का दावा, धीरे धीरे खाते में आएंगे 15 लाख, आरबीआई नहीं दे रही पैसे। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने दावा किया कि भाजपा जल्द ही 15 लाख रुपए देने का वादा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए धीरे धीरे आएंगे, एक साथ नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं है, इसके लिए आरबीआई से पैसे मांगे गए, लेकिन बैंक पैसा नहीं दे रही, इसलिए पैसा इकट्ठा नहीं हो सका। अभी कुछ तकनीकी खामी है। तीनों राज्य में हार पर विचार कर रही एनडीए। सांगिल में एक कार्यक्रम के दौरान अठावले ने कहा कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां तीन राज्यों में मिली हार पर विचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी। विपक्षी पार्टियों सीटों के बंटवारे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर भ्रमित है। 2014 में मोदी ने काले धन पर कार्यवाही की कही थी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर देश में वापस आ जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख होंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में सांसदों ने पूछा, राम मंदिर कब बनेगा? राजनाथ बोले, धैर्य रखें। भाजपा संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को राम मंदिर का मुद्दा उठा। कुछ सांसदों ने पूछा कि मंदिर कब बनाया जाएगा। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सभी चाहते हैं लेकिन धैर्य रखें। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भाजपा सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से सांसद रविंद्र कुशवाहा, हरिनारायण राजभर और कुछ अन्य सांसदों ने इस मुद्दे को तब उठाया जब गृह मंत्री पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद नहीं थे। राजस्थान में 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले, कुलदीप राका होंगे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। राजस्थान में सत्ता बदलते ही प्रशासनिक अमले में खड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य में 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके साथ ही 8 आरएएस को मुख्यमंत्री कार्यालय में पद स्थापित किया गया है। कार्मिक विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुलदीप राका को प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री तथा आरती डोगरा को संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री लगाया है। हारने के बाद बीजेपी ने थामी कांग्रेस की राह, किसानों के कर्ज और बिजली बिल माफी की घोषणा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किए जाने के बाद अब बीजेपी शासित राज्य में भी इस दिशा में बढ़ चली है। गुजरात में किसानों के बिजली का बिल माफ करने के बाद असम की बीजेपी सरकार ने भी किसानों के कर्ज को कुछ हद तक माफ कर दिया है। इस तरह देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी अपनी चीर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। उदांकट और वरुण सबसे महंगे बिके, राजस्थान पंजाब ने 8.4 करोड़ में खरीदा। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के लिए मंगलवार को जयपुर में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इसमें 8 फ्रेंचाइजियों ने 106 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर 60 खिलाड़ियों को खरीदा। इनमें से 20 विदेशी हैं। 6 राउंड तक चली नीलामी में सबसे महंगे जयदेव उदांकट और वरुण चक्रवर्ती बिके। उदांकट को राजस्थान और वरुण को पंजाब ने 8.4 करोड़ में खरीदा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने शिवम दुबे को 5 करोड़ रुपए में खरीदा। वे अनकैप्ड खिलाड़ी थे और उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। विदेशों में सबसे महंगे इंग्लैंड के सैम कुरेन बिके, उन्हें 7.2 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। पहली बार में अनसोल्ड रहे युवराज सिंह को बाद में मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस पर 1 करोड़ रुपए में खरीदा। चौंकाने वाले दो नाम बेस प्राइस से 42 गुना कीमत पर बिके वरुण, शिवम को 25 गुना कीमत मिली। आईपीएल 2019 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान मुंबई के शिवम दुबे और तमिलनाडु के वरुण चक्रवर्ती ने चौंकाया। दोनों ऑलराउंडर की बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखी गई थी। वरुण को 42 गुना ज़्यादा कीमत पर किंग 11 पंजाब ने खरीदा, वे 8.4 करोड़ में बिके। वहीं शिवम को 25 गुना कीमत पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा, वे 5 करोड़ में बिके। भारत 146 रन से हारा ऑस्ट्रेलिया में। कोहली ने जब भी शतक लगाया टीम नहीं जीती।
ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 146 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज को 1-1 से बराबरी कर लिया है। टेस्ट जीतने के लिए भारत को चौथी पारी में 287 रन बनाने थे, लेकिन टीम इंडिया 140 रन पर ही सिमट गई। मैच में कप्तान विराट कोहली ने पहली पारी में 123 रन बनाए थे, उनका ऑस्ट्रेलिया में यह छठा शतक था। विराट ने जब भी शतक लगाया भारत नहीं जीता, चार मौकों पर उसे हार मिली और दो टेस्ट ड्रॉ रहे। सेंसेक्स में निचले स्तरों से 300 पॉइंट की रिकवरी, 77 अंक ऊपर 36,347 पर बंद। शेयर बाजार में मंगलवार को निचले स्तरों से 300 पॉइंट की रिकवरी आई। सेंसेक्स 77.01 अंक की बढ़त के साथ 36,347.08 पर बंद हुआ। इंट्राडे में यह 200 से भी ज़्यादा पॉइंट फिसलकर 36,046.52 तक पहुंच गया। निफ्टी की क्लोजिंग 20 अंक ऊपर 10,908.70 पर हुई। कारोबार के दौरान इसमें 70 अंक की गिरावट दर्ज की गई। लेना चाहते हैं पेट्रोल पंप की डिलीवरी तो ऐसे करें आवेदन, इन शहरों में है मौका। मोदी सरकार ने 2019 में होने वाले चुनाव से पहले देश की जनता को एक नया तोहफा देने की योजना बनाई है। लगातार हो रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते सरकार ने देश की आम जनता को पेट्रोल पंप का मालिक बनाने का निर्णय लिया है। अब आप भी जल्द ही अपना पेट्रोल पंप शुरू कर सकते हैं। सरकार की होल्डिंग वाली सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC देश भर में पेट्रोल पंप की डीलरशिप बांटने जा रही है। इसके लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी, पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 7 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। हफ्ते के लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। वैसे यह इजाफा मामूली है, लेकिन इन आने वाले दिनों में दोनों के दामों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार आज देश के 4 महानगरों में पेट्रोल के दाम में 10 पैसे और डीजल के दाम में 7 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली। 60 रुपये महंगा हुआ सोना, चांदी में आई 85 रुपये की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी के बीच कम भाव पर स्थानीय जेवराती ग्राहकों आने से मंगलवार को दिल्ली सरकरा बाजार में सोना लगातार 5 दिन की गिरावट से उभरता हुआ 60 पैसे की मजबूती में 32,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस बीच औद्योगिक मांग सुस्त पड़ने से चांदी 85 रुपये फिसलकर 38,315 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।